हरियाणा के नूह में सोमवार के दिन 31 जुलाई को जब मेवात ब्रिज मंडल की ओर से जलाभिषेक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस पर पथराव हुआ और बताया जा रहा है कि फिर उसके बाद दो गुटों में जमकर हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया और उसकी ये वानगी आप देखिए किस तरीके से ये सिर्फ एक बस नहीं बल्कि ऐसी कई गाड़ियां हैं जिनमें जमकर तोड़फोड़ की गई है। शीशे यहां पर अभी भी टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है और ये देखिए ये किस तरीके से राख उड़ता अभी भी दिखाई दे। और ऐसे में जबकि ये बस सड़क पर दौड़ रही थी अचानक पूरा ट्रैफिक रुक गया और नूह में सिर्फ ये एक गाड़ी नहीं ऐसी कई बसें हैं जिन्हें पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। सीटें पूरी तरीके से जल चुकी है और एक तरीके से लोहे का ये कंकाल नजर आ रहा है। और ये खास बात ये कि जिस तरीके से सोमवार को शोभा यात्रा के दौरान ही दो गुटों में हिंसक वारदात हुई सिर्फ इस तरह की एक बस नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि 200 से भी ज्यादा गाड़ियों को ऐसे ही आग के हवाले किया गया। ये सामान्य बस अड्डा है हरियाणा के नूह का जहां पर ये गाड़ियां रखी गई है। ये देखिए किस तरीके से एक बाइक पूरी तरीके से कबाड़ में तब्दील नजर आ रही है, टैंक पेट्रोल का अलग हो चुका है और एक नहीं ऐसी कई गाड़ियां हैं, कई बाइक हैं, कई टू व्हीलर्स हैं, कई फोर व्हीलर्स हैं जो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। इसकी टंकी अलग है, तार अलग है, इसमें टायरों का कहीं कुछ पता नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से जलकर अब ये तार का गुच्छा ही यहां बाकी रह गया है। और सिर्फ ये एक दो तीन चार पांच गाड़ियां नहीं ऐसी कई गाड़ियां हैं जो पूरी तरीके से राख के ढेर में तब्दील हो गई हैं। अब ये टायर पूरी तरीके से जल चुका है और इसका ये तार का गुच्छा ही नजर आ रहा है। ऐसी कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद अब यहां पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरती है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कुछ घंटों की ढील जरूर दी जा रही है लेकिन इसके बावजूद अभी भी एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा यहां बंद रखी गई है।